भिलाई नगर पालिका निगम अंतर्गत शनिवार को नव निर्वाचित महापौर एवं सभापति का पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। नगर पालिका निगम भिलाई अंतर्गत शनिवार को नव निर्वाचित महापौर नीरज पाल एवं सभापति गिरवर बंटी साहू ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गृह मंत्री तामध्वज साहू, कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, दुर्ग भिलाई विधायक समेत अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी और विजयी कांग्रेस पार्षद शामिल हुए। जिले में बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए कार्यक्रम में चुनिंदा लोगों को ही शामिल किया गया था, लेकिन इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा के एक भी पार्षद शामिल नहीं हुए। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम भूपेश बघेल अन्य मंत्रियों के द्वारा अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पहली बार है जब छत्तीसगढ़ अंतर्गत सभी नगरीय निकाय में कांग्रेस का महापौर है, जो कि अपने आप में इतिहास बन चुका है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को दी है। आंकड़ों में यदि हम जाएं तो एक तरफ 44 लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और दूसरे तरफ जो दूसरे नंबर की पार्टी थी वो कुल 22 वोट पा सके, तो दो गुना जीत इसको हम कह सकते हैं। और जैसे कि भिलाई को मिनी भारत कहा जाता है, यहाँ पे महापौर का जो चुनाव है, सभापति का जो चुनाव है, इसमें पूरे छत्तीसगढ़ की नजर रहती है। वार्डों की संख्या भी बहुत अधिक है, 70 वार्ड है, और भिलाई का महापौर सभापति बनना बहुत गौरव की बात है। चुनाव जब भी होते, चाहे पंच सरपंच के हो, विधायक सांसद के हो, पार्षद के हो, बहुत विश्वास से जनता आशीर्वाद देते कि हमारे क्षेत्र के विकास, एक अच्छा सबल नेतृत्व हम दे थे जेकर हाथ में सुरक्षित है, तो वो विकास के कार्यक्रम कार्य हमारे वार्ड में अच्छा से संपन्न हुए। आप सब लोग वो विश्वास में खरा उतरना है। अब आने वाला समय में भिलाई में नया नया योजना, नया नया कार्यक्रम आप सब लोग हाथ में लेना है। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में देवेंद्र बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, लगातार हम सांसद, और आज इस बात की बेहद खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भिलाई शहर में वो सभी विषय जो भिलाई की जनता की उम्मीद थी, आशाएं थी, जरूरतें थी, वो पूरी हो पाई, और उसी का परिणाम है कि भिलाई जैसी प्रबुद्ध जनता, ऐसी जनता जो हर विषय पर विचार करके अपनी बात रखती है, वैचारिक रूप से भी बड़ी मजबूत है, इस जनता ने फिर से कांग्रेस पार्टी को अवसर दिया, कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार करूंगा कि उन्होंने एक ऐसा महापौर हम लोगों को दिया जिसको हम सब लोग डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है और ऐसा पहली बार हुआ है कि सभी नगर निगम भी किसी एक पार्टी का कब्जा हो। ये इतिहास में दर्ज हो गया कि 14 के 14 नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा है। बड़ी जीत हासिल हुई है। मैं मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और कार्यकर्ताओं को और जनप्रतिनिधियों को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कड़ी मेहनत से ये सब संभव हो पाया। और जहाँ तक कि कोरोना की बात, आज रिसाली में भी शपथ ग्रहण और अभी भिलाई चरौदा भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित है। मैं सभी जनप्रतिनिधियों को, जो निर्वाचित जितने भी पार्षद हैं, सभापति हैं, महापौर हैं, सबको मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम के अंत में महापौर और सभापति दोनों ही अपने भिलाई नगर निगम के चेंबर पहुंचे, जहां लोगों ने बारी बारी से आगामी 5 वर्षों के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रॉबिन मल ठाकुर की रिपोर्ट।